अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज आ रही थी जी सॉली की फ्रेंड घर पे और नेक्स्ट डे थी उसकी बर्थडे, तो सोचा उसके लिए सरप्राइज़ केक बनाते हैं। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं मैंने जी, मक्खन, अंडे, दूध, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, मैदा, चीनी और ऑयल। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जी ऑयल बनाने के लिए। तो ये बात जो है जहन नशीन कर लें कि जब भी आपने केक बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं पहले ही निकाल के रख लें, और रूम टेम्परेचर पर जो अंडे हैं वो आ जाने चाहिए, अंडे और दूध, बटर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, यानी आधा घंटा पहले आप निकाल कर रख लें। आधे कप के करीब मैंने दूध लिया है, आधे से कम मैंने कप के करीब मैंने ऑयल डाला है इसमें, और चार अंडे मैंने लिए हैं, बारी बारी करके इसमें डालेंगे, और मीडियम साइज़ के ये अंडे थे इसलिए मैंने चार लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के अवेलेबल हैं तो आप तीन भी शामिल कर सकते हैं। एक टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लिया है जी वनीला एसेंस, ताकि ये स्मेल वगैरह ना आए अंडे की। नेक्स्ट पे मैं ऐड कर रही हूँ जी बटर, तकरीबन एक से डेढ़ टेबलस्पून के करीब। अब इसमें मैंने चीनी ऐड की है, चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह, क्योंकि जो ग्रैनुलेटेड फॉर्म वाली है वो अच्छे से मिक्स नहीं होती, तो इसलिए पहले मैंने इसको अलग से ग्राइंड करके शामिल कर दिया इसमें। मैनुअल बीटर जो है वो ले लें आप, और हल्का सा इसको कंबाइंड फॉर्म में ले आइए। तो केक बनाने के लिए ये भी बात आप नोट कर लें कि वेट इंग्रेडिएंट्स पहले डाला करें और ड्राई बाद में। ये इसमें मैंने एक ही टेबलस्पून मैंने इसमें सॉरी एक टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। एक से डेढ़ कप के करीब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ, और लूजली जो है इसको मैंने कंबाइन कर लिया मैनुअल बीटर से, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आपको इसी से थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैनुअल बीटर से ही। तो फ़िलहाल मेरे पास है तो मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए थे जी कुछ चॉकलेट चिप्स, हल्का सा कंबाइन किया, और चूंकि मैं मार्बल केक बनाने जा रही थी इसलिए मैंने हाफ बैटर को अलहदा से निकाल लिया, और मेक श्योर के जो है ना दोनों की क्वांटिटी सेम हो। मेरे से चूंकि चॉकलेट वाला ज़्यादा हो गया था इसलिए मार्बल जो थी ना फॉर्म इतनी अच्छी नहीं आई। तो चॉकलेट मैंने कोको पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें हाफ पोर्शन में, और अच्छे से जो है ना बीटर से इसको मिक्स कर लिया। एक बार इलेक्ट्रिक बीटर से भी मैं इसको अच्छे से दोबारा मिक्स कर लूँगी। अब मैंने केक का पैन ले लिया, इसके अंदर मैं ये बेकिंग पेपर लगा दूँगी, बस नीचे ही लगाऊंगी, ताकि इसके लगाने का मकसद ये होता है कि केक जो है ना नीचे उसकी बेस के साथ जो है स्टिक नहीं होता। बेस की शेप का काट के मैंने नीचे लगा दिया, और बस अब जो मैं ये इसकी मार्बल लेयरिंग करने लगी हूँ, बेटर तो यही है कि दो पर्सन मौजूद हों एट अ टाइम, तो चूंकि मेरे पास नहीं थे भाई दो पर्सन तो मुझे खुद ही करना था, तो बस ये खुद ही ये काम करना पड़ रहा है। तो मिडल में आपने इसके इस तरह से ऐड करते जाना है, एक बार वनीला वाला और एक बार चॉकलेट वाला पार्ट। अच्छा, इसी फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें भी बना सकते हैं, इस तरह से जिस तरह रिंग्स वाली लुक आएगी, जिस तरह से वनीला का रिंग आएगा और चॉकलेट का रिंग सेम टू सेम इसी तरह से बेक होके बाहर आएगा। तो मैं चूंकि थोड़ी सी ना मार्बल वाला लुक चाह रही थी, तो मैंने मेरे पास वो केक का केक टेस्टर होता है ना वो अवेलेबल था, तो मैंने हल्की सी ना इसको मार्बल शेप दी है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस तरह से मैंने इसको लाइट सी
नीडल से इस तरह से मार्बल शेप दिए। ये देखिए जी, बस हल्के हाथ से इसको इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं बेक कर लूँगी। कोई 10 मिनट गुजरे थे तो मैंने हल्का से ऊपर दोबारा ये चॉकलेट चिप डाल दिए थे। इस साइड से थोड़ा सा वो ब्राउन हो गया था तो वो मैंने उतार दिया और उल्टा करके बस मैंने इसको निकाल दिया। अब इसको ऊपर कुछ लगाने से पहले, जैसे चॉकलेट वगैरह हम लगाते हैं, तो ये बात भी ये टिप पे रख लें आप जहन में कि अच्छी तरह उसको केक को पहले हमने ठंडा होने देना, वरना कोई भी उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करेंगे तो वो जो है मेल्ट हो जाएगी, उसके अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये मैंने अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश लगा रही हूँ। वो मैंने बनाई है नॉर्मल चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया था और उसके साथ क्रीम के साथ ना मिक्स करके तो इसके ऊपर लगा दिया। और चॉकलेट चिप्स मैं ऊपर हल्के से लगा दूंगी। और ये मेरे पास ये एक डिश सी पड़ी थी, इसके अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी। और हैप्पी बर्थडे का साइन पड़ा था घर पे, वही मैंने लगाया और कैंडल लगा दी। तो ये जो छोटी छोटी जो है ना खुशियाँ, इनसे बच्चे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाते हैं। तो कोइंसिडेंस चेक कीजिए कि मेरी फ्रेंड भी जो है ना केक बेक करके लाई थी, बहुत ही मज़े का इसका भी केक था। तो बस चलते हैं जी अब उसको सरप्राइज़ देने के लिए। कैंडल को कर लेंगे जी बर्न, और कैंडल से तो वैसे ही बच्चे बहुत खुश होते हैं कि ब्लो आउट करना है उसको। तो सवाले और उसके बीच में हो रहा था कि मुझे ब्लो करनी है। खैर तो बस ये जी उसके पास लेकर जा रहे हैं। टी टाइम चल रहा है हमारा यहाँ पे, तो बस ये केक काटेंगे और चाय इंजॉय करेंगे शाम की। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका केक किस तरह का बना। दुआओं में याद रखिएगा अगर अच्छा बनेगा, और ना बनेगा तो उसके लिए भी माजरत। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।